दोस्तों अगर आप कभी अकाउंट से 295 या फिर 590 रुपीस बजाज फाइनेंस के नाम पे काटा गया है और आप जब कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हो, बजाज का कस्टमर केयर में आपको बोला जा रहा है आपका बैंक ने काटा है, और जब आप बैंक में कॉल कर रहे हो या फिर ब्रांच में जा रहे हो, आपको पासबुक दिखा रहे हो, तो आपको बैंक मैनेजर या फिर कस्टमर केयर बोल रहे हैं भाई आपके खाते में तो लिखा है बजाज फाइनेंस, तो उन्होंने काटा है। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है कि पैसा जो है किसने काटा है, किसके पास ये पैसा जा रहा है और ये बार बार क्यों कट रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जिनका बजाज फाइनेंस से लोन जो है सालों पहले जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी उनके खाते से 295 या फिर 590 रुपीज़ जो है काटा जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ भी घटना हुआ है और आपको इसके बारे में जानकारी लेना है कि पैसा क्यों काटा जा रहा है, पैसा रिफंड कैसे लेना है और आपको आगे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो दोस्तों इस वीडियो को जो है कंप्लीटली देखिए, इस वीडियो में मैं एक एक करके पूरा चीज समझाऊंगा और आपको सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर आप पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही बैंकिंग, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका थोड़ा समय हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई ये 295 का भला है क्या। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो चार्जेस कटता है ना, ये आपका पासबुक में अलग अलग नाम लिख के आता है, ACH रिटर्न 295, तो उसके बाद आता है ECS चार्जेस 295। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो 295 कटता है ना, ये एक्चुअली ECS बाउंस चार्जेस है, मतलब ऑटो डेबिट अगर आपने एक्टिवेट किया है लोन लेते वक्त उसका बाउंस चार्जेस होता है ये 295। इस 295 का चार्जेस का वेरिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये जो 295 कटता है बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI में काटा जाता है। अदर बैंक जैसे हो गया HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्ट जो है 590 रुपीज़ कटता है। अभी इन लोगों का 590 रुपीज़ और इन लोगों का 295 कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे SBI और जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए दोस्तों इन लोगों का जो है ECS बाउंस चार्जेस जो होता है 250 रुपीज़ का होता है, 250 रुपये का होता है, और इसमें जो है दोस्तों VAT या GST लगाते हैं जो कि होता है आपको 18%। तो 250 का 18% जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कुछ 45 रुपीज़ के आसपास, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा ये 295 रुपीज़। ठीक है, तो सिमिलरली जो है कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ ICICI और HDFC बैंक का भी जो है चार्जेस है 500 रुपीज़ पर ECS बाउंस चार्जेस का, और इनके ऊपर भी अगर आप 18% जोड़ोगे तो 590 रुपीज़ इनका भी हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ECS बाउंस चार्जेस होता क्या। देखिए दोस्तों अगर आप इन बजाज फाइनेंस या फिर कोई भी कंपनी से अगर आप लोन लेते हो तो आपका जो डेट होता है, ड्यू डेट होता है, उससे एटलीस्ट जो है 2 दिन पहले आपका जो भी EMI राशि होता है उसको आपको मेंटेन रखना होता है, मतलब वो मिनिमम अमाउंट आपको रखना ही पड़ता है। और जिस डेट पे आपको ECS कटना होता है, मतलब अकाउंट से काटा जाता है, उस डेट पे अगर आपका वो पैसा नहीं रहता है तो हो जाता है आपका ECS बाउंस, और ECS बाउंस होने के बाद ही जो है आपके बैंक खाते से ये बाउंस चार्जेस के रूप में ये पैसा काटा जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो पैसा काटता है ये पैसा जाता किसके पास है, बैंक के पास जाता है या फिर बजाज फाइनेंस वाले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है दोष लगाते कि बजाज फाइनेंस वाले बोलते हमने नहीं लिया और फिर बैंक वाले बोलते हमने नहीं लिया, तो सच्चाई क्या। देखिए दोस्तों सच्चाई ये है कि जो 295 बोली या फिर 590 रुपीज़ बोली, ये जो भी चार्जेस काटा जाता है ना ये मिलता है जो है आपके बैंक को, क्योंकि ये चार्जेस बजाज फाइनेंस के नाम पे दिखाएगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस का ऑटो डेबिट या फिर बोली ECS बाउंस हुआ था तो इसके लिए पासबुक में बजाज फाइनेंस का नाम दिखाता है, लेकिन पैसा एक्चुअल में मिलता है बैंक को। सो अगली बार अगर आपको बैंक वाले ऐसा बोल रहे हैं ना कि भाई ये पैसा बजाज वाले ने लिया है, तो उनको बोले लिख के दीजिए, आपको कते भी लिख के नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले आपको क्लियर हो चुका है कि भाई ये पैसा जो है बैंक को मिलता है और क्यों कटता है वो भी आपको क्लियर हो चुका है, किस तरीके से चार्जेस एप्लीकेबल होता है वो भी क्लियर हो चुका है। अब सवाल ये बनता है कि भाई ये जो चार्जेस है क्या इसको बंद करने का कोई तरीका है। देखिए बंद करने का तरीका एक ही है, जब तक आपका लोन खत्म नहीं होगा
तब तक तो आपको ये चार्जेस कटेगा। दूसरी बात है कि अगर आप अपना खाते में बैलेंस जो है जितना भी ईएमआई अमाउंट है वो मेंटेन रखोगे तो बैंक से काटा जाएगा और आपका ईसीएस बाउंस नहीं होगा तो आपको ये चार्जेस भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है, भाई मैंने तो जो है एक साल पहले बजाज से लोन लिया था, अब तो जो है लोन भी नहीं चल रहा है, फिर भी ये ईसीएस बाउंस क्यों हो गया, क्यों चार्जेस कटा है? देखिए दोस्तों, बजाज से अगर आपने लोन लिया है ना बजाज ईएमआई कार्ड से, तो उसका बहुत सारा चार्जेस है, हिडन चार्जेस होता है, उसके बारे में ना ऑलरेडी मैंने एक इन डेप्थ जो है वीडियो बना के रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं आई बटन पे भी देने की कोशिश करूँगा, यहाँ से आप जो है क्लिक करके देख सकते हो। ऐसा भी कुछ चार्जेस है जहाँ पे अगर आप बजाज फाइनेंस से कुछ भी नहीं खरीदते हो और आपने कार्ड को एक्टिव रखते हो, कार्ड को ब्लॉक नहीं करते, अकाउंट को आप बंद नहीं करते हो, तो आपको जो है एक साल के बाद भी चार्ज देना पड़ेगा और वो चार्जेस आपके सीधे अकाउंट से काटा जाएगा। और मान के चलिए उस वक्त आपके खाते में पर्याप्त राशि या बैलेंस नहीं रहता है तो आपके खाते से जो है वो पैसा काटा जाएगा ईसीएस बाउंस चार्जेस के नाम पे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि भाई मेरा लोन खत्म हो गया बोल के नहीं कट रहा है, तो ये लोन खत्म होने के बाद भी कट सकता है अगर आपने अपना सर्विस बंद नहीं किया या फिर आपने कोई फर्दर कोई बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लिया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पैसा काटा गया है क्या इसको रिफंड मिल सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? लेकिन दोस्तों आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना खाते में जो ईएमआई का अमाउंट था वो मेंटेन किया था, जो ड्यू डेट है, मान के चलिए आपका ड्यू डेट 10 तारीख है, आपने 8 तारीख को जो है पूरा ईएमआई का बैलेंस मेंटेन रखा था। हो सकता है आपका 5000 का ईएमआई है तो आपने 5500 रुपये डाल दिया था 8 तारीख को, 10 तारीख को ईएमआई काटने वाला था, तो 10 तारीख को जो है आपका बैलेंस उतना ही मेंटेन था, फिर भी आपका ईसीएस कैसे बाउंस हो सकता है? सो अगर आपके खाते में बैलेंस मेंटेन था उसके बाद भी जो है आपके खाते से ईसीएस बाउंस चार्जेस के नाम पे आपका बैंक वसूली करता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपना बैंक का पासबुक को अपडेट कर लीजिए, और अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर ही आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, और वो स्टेटमेंट लेके इनके जो कस्टमर केयर है ना इनको लेके मुंह में मारिए, भाई ये स्टेटमेंट है, ये भाई बैलेंस मेंटेन किया था 8 तारीख को और मेरा 10 तारीख को बैलेंस कटने वाला था, आप मुझे बताइए यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर बाउंस चार्जेस क्यों हुआ? ये आप हाईलाइट करते हो ना तो बैंक यहाँ पे आपको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोगों का गलती भी होता है, क्या गलती करते हैं मैं बता देता हूँ। मान के चलिए जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई ईसीएस डेट है 10 तारीख को, कुछ लोग क्या करते हैं भाई 8 तारीख को 9 तारीख को ऑनलाइन पेटीएम से पेमेंट कर देता है और बोलता भाई मैंने तो 9 तारीख को पेमेंट कर दिया था, फिर मेरा 10 तारीख को फिर ऑटो डेबिट क्यों लगा? देखिए बता देना चाहूँगा, ऑटो डेबिट जो है एक हफ्ते पहले प्रोसेसिंग हो, कुछ बैंक में 4 दिन, कुछ कुछ बैंक में 3 दिन जो है पहले ही जो है प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये गलती आप अगर आप कर लेते हो ना तो यहाँ पे बैंक आपको सीधा सीधा मना कर सकता है कि भाई आपने जो है एक दिन पहले ड्यू डेट का एक दिन पहले जो है पेमेंट किए थे तब तक आपका ईसीएस जो है प्रोसेस हो चुका था, उसको हम रुकवा नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा अगर करते हो तो आपको कोई पैसा आपको रिटर्न नहीं करेगा, ये बात जरूर ध्यान रखिए दिमाग में। जो मैंने कंडीशन बताया भाई उसी कंडीशन में ही आपको जो है पैसा मिल सकता है। सो दोस्तों, आई होप आपको अभी समझ आ चुका होगा कि ये जो 295 का जो बला है या फिर 590 रुपीज का बला है कि क्यों कटता है और इसको बंद करने का तरीका क्या है, इसको पैसा रिटर्न कैसे करना है, तो सारा चीज जो समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर मान के चलिए अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जरूर पूछिए भैया, ये वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप जाके पूछ सकते हो। सो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।